मुरैना कुआरी नदी किनारे बसे केसोदा गांव पंचायत की तीन का पूरा गांव में आधी रात का बाढ़ आ गया। गांव 25 से ज्यादा घर पानी में डूब गए। जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने रातों में ही खाली किया गया। कुछ परिवार जरूरी सामान निकल लाए तो फिर बच्चे घर ढह गए, जिसमें मवेशी और राशन पानी दब गया। गांव के बाबूलाल का घर ढहने से उसके दो बकरियां व घर का सामान मलबे में दब गया। किसान मुरारीलाल दो भैंसों को निकाल कर ला रहा था, लेकिन बाढ़ में दोनों भैंसे बह चली गई। मुरारी के घर का पूरा सामान बाढ़ में समाया हुआ। लोग बाढ़ के बीच घरों का सामान निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे। गांव के सरपंच हरिओम ने बताया कि रात से प्रशासन को खबर कर रहे, लेकिन अब तक बचाव दल तो क्या कोई पटवारी तक गांव के हालत देखने नहीं आए। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। कलेक्टर बी कार्तिकेयन व एसपी नरेश अग्रवाल एनडीआरएफ टीम को लेकर चंबल नदी किनारे के गांव के पास निरीक्षण को निकले। चंबल नदी के किनारे समरगढ़ चोरा अम्बा व कोसा क्षेत्र में 80 से ज्यादा गाँव में अलर्ट है। चंबल किनारे के कई गाँव का रास्ता पानी में डूब गया। उधर कुंवारी नदी भी रौद्र रूप में है। कुंवारी नदी के बहाव में किराड़ा समरगढ़ के बीच नेपरी पुल को अप्रोच रोड पर दरार आ गई। इस कारण सड़क से भारी वाहन बंद कर दिए गए। नदियों की बाढ़ आमजन से लेकर मवेशी के लिए मुसीबत बन चुकी। देवरी गांव में 15 से ज्यादा गांव चंबल नदी के उफान से एक टापू पर फंस गई। उधर जोरा के पगार डैम के टापू पर भी दो गाय व भैंस फंसी हुई है। अरे साहब, पानी नदी ने घेर लिया चारों बंद थे और रास्ता ना रही और गिर चुके। कौन सी नदी है जी? कुंवारी है साहब। क्या हो गया है? पानी से गिर गए और घर पर डूब गए सब। दीवार गिर गई, भैंसिया डूब बच के नीचे दब गई। वो निकाली नहीं निकलेगी, निकला हुआ है। कितने मकान डूब गए हैं? ये ऐसे 20-25। तो अब आप क्या कर रहे हो? अब सब सामान सच्चे खजू निकल रहा हो, खजू निकलो ना और लगे हैं सब निकाल भी। प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया? कोई प्रशासन नहीं आया साहब, कोई सुनवाई नहीं करी है। आपने फोन फोन नहीं किया? हाँ किए साहब। क्या कह रहे हैं? जो कि आ रहे हैं अभी तक नहीं आए हैं। डूब चुके और दो भैंस ही बह गई और मैंने बहुत पकड़ी पर भी नहीं काबू आई। कितना नुकसान हो गया तुम्हारा? कम से कम 50,000 रुपये ही तो मैं खरीद के लाया हूँ। कर्ज उखाड़ के नहीं, वो बेबी गए, भैंस तो विकलांग से बच्ची बच्चा है सब, और राशन पानी। मकान भी आपका डूब गया है? मकान भी डूब गया है। सामान निकाल लिया आपने? सांप कुछ निकल आया, कुछ नहीं निकल आया, को उसको उसी में रह गया। प्रशासन को किसी को बताया नहीं आपने? बताया कि कोई आया ही नहीं है, कोई है ही नहीं। ये 4-5 लोगों ने रास्ता वहाँ बिल्कुल बंद ही हो गए हैं। माल पानी कुछ नहीं निकल पा, 5 से केवल निकले हैं। हम भी सवेरे से आके देख रहे हैं, मदद करवा रहे। जो कटिया पटी थोड़ा बहुत मेरा सामान निकलवाया है, नहीं वहाँ की वहीं रह गया है। तो कितने इस गांव की कितनी आबादी है? गांव की तो पूरी जाना, पर ज्यादा 25-30 घर हैं यहाँ पर। 25-30 घर पूरे डूब चुके हैं? हाँ, देख लो तुम आप जाए कि नहीं। तो सामान किस तरह निकाल रहे हैं लोग? बात पानी में है कि नहीं? जो वैसे निकाल रहे हैं तहाँ तक के लिए पत्र वगैरह लिखा? नहीं, पत्र नहीं लिखा, वैसे सूचना मोबाइल से की थी जनपद जनपद के लिए। तो जनपद से जीसीओ या प्रशासनिक? अभी कोई नहीं आया है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।